श्री शनि देवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पांच राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। पांच ऐसी राशियां जिन पर 2020 से लेकर के 2025 तक शनि देव की दृष्टि रहेगी और शनि देव की दृष्टि से ये राशियां मालामाल होंगी, हर प्रकार की मनोकामनाएं की पूरी होगी, राजाओं जैसा सुख प्राप्त होगा शनि देव की कृपा से। शनि देव की कृपा जिस पर हो जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। शनि देव की दृष्टि रहेगी 5 साल तक और प्रतिदिन शनि देव की कथा, शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए पांचों राशि वालों को, और शनि देव की जो कथा है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के प्रतिदिन शनिवार की कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो शनिवार की शनिवार जरूर सुननी चाहिए। अब मैं आपको पांच राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो पांच राशियां बहुत ही शुभ हैं और शनि देव की कृपा इनके ऊपर होने वाली है। तो शनि देव जातक के भीतरी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, अंतर मन के स्वामी, दृढ़ निश्चय, गंभीर कठिन कार्यों के करने में अधिक क्षमता, यानी दृढ़ निश्चय इंसान के अंदर आता है जब शनि की दृष्टि होती है। कठिन कार्य, कोई कैसा भी कठिन कार्य हो तत्पर करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है और इंसान का मन कर्म की तरफ ज्यादा झुक जाता है जब शनिदेव की दृष्टि आती है। शनिदेव लोहे का व्यापार, यानी लोहे का आपका कोई भी कार्य है तो उसमें शनिदेव आपको जरूर लाभ पहुंचाने वाले हैं, या आप कोई लोहे का व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें शनिदेव आपकी सहायता करेंगे। अत्यधिक श्रम करने वाले वाले, यानी जैसे लेबर वर्कर टाइप के जो आपके वर्कर्स हैं, वह अगर किसी भी प्रकार से रुष्ट होते हैं या काम नहीं करते तो शनिदेव की दृष्टि जब आती है तो वर्कर्स भी आपके काम अच्छा करने लग जाते हैं। शनि की दृष्टि जिसके ऊपर चल रही हो उनको पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक और शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक और भगवान शिवजी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शिवजी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के गुरु हैं भगवान शिव और भगवान शिव ने ही उनको यह उपाधि दी है। जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और छप्पड़ फाड़ के आपको पैसा मिलता है, धन मिलता है। जब जातक की जन्म राशि से 3, 6 और 11वें स्थान में शनि हो तब उसे शुभ समझना चाहिए, यानी आप अपनी कुंडली खोल करके बैठिए और आपकी राशि, यानी यहाँ कुंडली में चंद्रमा विराजमान हो वहां से आप गिन लीजिए कि कौन से स्थान में आपकी कुंडली में शनि देव विराजमान है, उस हिसाब से, उस स्थान के हिसाब से फल का निरीक्षण किया जाता है, फलादेश किया जाता है, उसी हिसाब से शनि देव दृष्टि डालते हैं। माता काली की कृपा होती है और इंसान के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ओम एम ह्रीम श्रीम शनेश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए प्रति शनिवार की शनिवार, जिससे शनिदेव शुभ फल दें। नीलाजनम समाभाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम, यानी भगवान सूर्य देव के पुत्र शनि इस मंत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं, और कुंडली में जहां पर सूर्य और बुध की स्थिति हो तो इंसान को बड़ा लाभ मिलता है, यानी एक तो शनि आपके ऊपर दृष्टि हो, शनि शुभ है, ऊपर से सूर्य और बुध का योग है कुंडली में, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा धन आपको मिलने वाला है और हर कार्य में आपके में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि शनिदेव प्रसन्न है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो इंसान के हर कार्य जो है बन जाते हैं, हर कार्य में शनि देव सहयोग देते हैं। इसलिए यह पांच राशि वाले 5 साल तक शनि की छत्र छाया में रहेंगे, शनि देव अपनी कृपा दृष्टि इन 5 राशि वालों पर रखेंगे। तो आप ध्यान रखें और प्रति शनिवार के शनिवार को शनि देव को तेल का अभिषेक करें, शनि देव की आरती करें, शनि चालीसा का पाठ करें, जिससे 5 साल तक आप मालामाल रहें, आपकी हर मनोकामना पूरी रहे।
अब मैं पांच राशियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा बारी बारी से, जिनके ऊपर शनिदेव की दृष्टि रहने वाली है और शनिदेव की यह दृष्टि माला माल करेगी इनकी। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, कर्क राशि को माला माल करेंगे शनिदेव। शनि की दृष्टि के द्वारा अभी आने वाले समय में शनि की दृष्टि आएगी कर्क राशि के ऊपर। अभी अंशक मात्र से दृष्टि है, लेकिन आने वाले समय पूर्ण रूप से दृष्टि आएगी। अभी मिथुन राशि पर चल रही है दृष्टि, उसके बाद में कर्क राशि पर आएगी। तो कर्क राशि वालों को कर्मठ बनाएगी, भाग्यशाली योग बनेंगे, संतान और धन के योग बनेंगे और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। अभी तुला राशि पर शनिदेव की दृष्टि चल रही है। वृश्चिक राशि यानी बहुत ही शुभ राशि होने वाली है ये, शनिदेव कृपा से मंगल की राशि, शनिदेव की दृष्टि। हालांकि उत्तेजना बढ़ेगी स्वभाव में और कई प्रकार के कार्यों में अड़चन भी आएगी। अचानक क्रोध की अधिकता रहेगी, तो क्रोध की अधिकता को बिल्कुल त्यागें। आपका काम अच्छा चलेगा, आप अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आने वाले समय में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। धनुराशि जिस पर फिलहाल शनिदेव की दृष्टि है, शनिदेव की दृष्टि धनुराशि पर चली हुई है और धनुराशि वालों को आने वाले समय में बहुत बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। यानी धनुराशि वालों को गुरु तो शुभ रहेगा ही रहेगा, साथ में शनि जो है परीक्षा लेगा आपकी। और कर्म पर ध्यान दें, भगवान की तरफ ध्यान रखें। शनिदेव आपके ऊपर शुभ दृष्टि प्रदान करेंगे, जिससे अब तक आ रही परेशानियां, दुखें, संकटें सभी का निवारण होगा। मकर राशि पर शनिदेव की दृष्टि चल रही है और पांच साल तक मकर राशि पर शनि की दृष्टि रहेगी। अभी साढ़े सात ही चल रही है, उसके बाद में कुंभ राशि पर साढ़े सात ही आ जाएगी। तो ये राशि बहुत ही अच्छी रहने वाली है और शनि के जो मित्र हैं बुध और शुक्र हैं, सम में केवल बृहस्पति हैं, इनके शत्रु सूर्य चंद्रमा और मंगल हैं। यानी शनि जो है सूर्य चंद्रमा और मंगल को अपना शत्रु समझते हैं, तो इसलिए सूर्य चंद्र मंगल यानी इन राशि वालों को बहुत संभल के रहना होगा। जब शनि की दृष्टि इनके ऊपर आएगी तो बहुत ही संभल के इनको चलना होगा। मकर राशि और कुंभ राशि स्वयं शनि की राशि हैं, तो पांच साल तक खूब माला माल करेंगे शनिदेव आपको। प्रति शनिवार की शनिवार को छाया पात्र दान करें, नारियल दान करें, काजल का टीका शनिदेव को लगाएं, आप भी उसको लगाएं, काले उड़द और तिल शनिदेव को अर्पण करें, तेल का दीपक जलाएं। आने वाला समय आपको अच्छा रहे, आपके हर कार्य सिद्ध हो और शनिदेव आप पर मेहरबान हो, आपको माला माल करें, संतान धन की आपको प्राप्ति हो, सारे शत्रु आपसे झुकें, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।